नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से लखनऊ जाते समय टायर फटने से अनियंत्रित हुई कार डिवाइडर से टकराते हुए सड़क किनारे खाई में पलट गई। बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में हुए इस हादसे में बैंक मैनेजर की मौत हो गई, जबकि पत्नी व बेटी घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हरदोई जिला के थाना हरियावा अंतर्गत गांव मोहनपुरवान निवासी 36 वर्षीय शत्रुघ्न सिंह मध्य प्रदेश के भिंड शहर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में मैनेजर थे। वे वहीं से कार से लखनऊ के फैजुल्लागंज निवासी साले ज्ञानेंद्र सिंह के यहां मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पत्नी 32 वर्षीय बीना सिंह व 4 वर्षीय बेटी एक्सप्रेस वे पर किलोमीटर संख्या 256 स्थित गाँव राजाखेड़ा के पास टायर फटने से अनियंत्रित हुई कार का डिवाइडर तोड़ते हुए गहरी खाई में जाकर पलट गई। हादसे में शत्रुघ्न सिंह की मौत हो गई, जबकि पत्नी बीना सिंह व बेटी बिट्टू घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायल मां बेटी को बांगरमऊ स्थित सरकारी अस्पताल पहुंचाया, उन्हें वहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि टायर फटने से हादसा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।